हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की ये वीडियो एक ब्लॉग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको दिल्ली की सैर कराएंगे। आज दोस्तों मैंने और मेरी कुछ दोस्तों ने लोटस टेंपल दिल्ली में एंड कुछ प्लेसेस दिल्ली में घूमने का प्लान बनाया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। गाइज हम लोटस टेंपल के रास्ते में, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, ये है हिमांशु। अभी हम हमारे मनीष अधिकारी जी को ढूंढ रहे हैं। हेलो गाइज, अभी हम लोटस टेंपल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे एक दोस्त मिल गए हैं हमें, ये है मनीष, ये है हमारे दोस्त हिमांशु तिवारी। हाय तो कर दे यार। एक्चुअली ये ना काफी शाय बंदा है और कैमरे के सामने आने से थोड़ा शर्मीला टाइप का रिएक्ट करता है। सबसे मस्त लौंडा ये है बिल्कुल। अभी अंदर जाकर नहीं मिला, यहाँ से तो अभी ज्यादा कुछ ऐसा है। गाइस हम आ चुके हैं लोटस टेंपल और यहाँ पे रश देखो। दोस्तों अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इंडिया गेट और लाल किले के अलावा एक और डेस्टिनेशन है जो दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, और वह है लोटस टेंपल। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेंपल एक बहाई उपासना मंदिर है, जहां न ही कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार की पाठ पूजा की जाती है। लोग यहां आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेंपल कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था, यही वजह है कि इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। भारतीय परंपराओं में कमल को शांति और पवित्रता के सूचक और ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है। मंदिर का वास्तु पर्यशन आर्किटेक्ट फरीबर्ज सहबा द्वारा तैयार किया गया था। दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला के नमूनों में से एक लोटस टेंपल भी है। इसका निर्माण बहाउल्ला ने करवाया था, जो कि बहाई धर्म के संस्थापक थे, इसलिए इस मंदिर को बहाई मंदिर भी कहा जाता है। बावजूद इसके यह मंदिर किसी एक धर्म के दायरे में सिमट कर नहीं रह गया है, यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और शांति और सुकून का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में करीब $1 करोड़ की लागत आई थी। मंदिर आधे खिले कमल की आकृति में संगमरमर की 27 पंखुड़ियों से बनाया गया है, जो कि 3 चक्रों में व्यवस्थित है। मंदिर चारों ओर से 9 दरवाजों से घिरा है और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल स्थित है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इस हॉल में करीब 2500 लोग यानी 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वर्ष 2001 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह बताया गया था। यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं है, केवल चेयर है जिस पे मनीष जी अभी जाके बैठेंगे। बिल्कुल, ये रहे हमारे मनीष अधिकारी। ये चेयर सर, ये मनीष अधिकारी है। हमारे नाम पे, ठीक है, ऑल राइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है ये सोशल पे आने से इतना डरता है, कहता है मेरी मम्मी डांटेगी। गाइस अब हम जा रहे हैं हमारे लोटस टेम्पल को देख के, क्योंकि 5 बजे का यहाँ पे टाइम होता है और 5 बज चुके हैं। लोटस टेंपल तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? यहां पहुंचने के लिए आप मेट्रो का प्रयोग कर सकते हैं। नेहरू प्लेस से कालकाजी मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद 5 मिनट में पैदल चलकर या फिर कोई रिक्शा करके आप यहां पहुंच सकते हैं। गाइस अब हम घर को जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं लोटस में, हमने फूल खिला चुके हैं, अब हम फूल खिल चुका है, लोटस पूरा खिल चुका है अच्छे से। अब हम जा रहे हैं घर, घर पहुंचते ही फूल सूख भी जाएगा। इस बेचारे का ब्रेकअप हुआ है इसलिए ऐसा दुखी दुखी लग रहा है, इसको इग्नोर करें। बट क्या कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर लोटस दिखाए बहुत सारे, इसको कोई लोटस पसंद नहीं आया। लोटस टेंपल खुलने का समय गर्मियों के मौसम में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर खुलता है, और वहीं सर्दियों में सुबह
9:30 से शाम को 5:30 तक के लिए खोला जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाती। चलो गाइज, अब हम चल रहे हैं। अगली बार हम सेवन वंडर्स या फिर अब हम लोटस टेम्पल से जा रहे हैं घर को, एंड हम रोज लेंगे बाहर से एंड किसी लोटस को पकड़ के वो रोज देंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो। यार हिमांशु, ब्रेकअप हुआ है, कोई नहीं, कोई मिलेगी तेरे को। मनीष हौसला दे बंदे को, हौसला, कोई दिक्कत नहीं। आज इसके लिए एक लोटस ढूंढी है हमने, इनको बहुत पसंद आई वो लोटस। अगले टाइम भी उनको रोज देने वाले हैं, थोड़ा टाइम वेट कीजिए आप लोग। चलो गाइस, टाटा, बाय बाय।